तो एक दिन के न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं हेमंत सोरेन। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर हेमंत सोरेन के 10 दिनों का ईडी के विशेष अदालत में जो है मांगी गई न्यायिक हिरासत, लेकिन यहाँ से उन्हें जो है एक दिन के न्यायिक हिरासत में जो है भेज दिया गया। आप देखिए तस्वीरों से हेमंत सोरेन उनके कार्यकर्ता किस तरीके से जो है उनके कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए कि आगे किस तरीके से जो है उन्हें गाड़ी में बिठा कर जो है ले गए, और CISF सेंट्रल की जो फोर्सेज है आगे आगे, और पीछे पीछे आपने देखा कि किस तरीके से जो है सभी कार्यकर्ता जो है जिंदाबाद के नारे जो है कोर्ट परिसर में लगा रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो है कोर्ट परिसर में जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें जो है उनको देखकर एक अलग सी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया यहाँ से हेमंत सोरेन को। और तमाम जितने कार्यकर्ता हैं जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम को देख रहे हैं हम, और ये कार्यकर्ताओं की आप कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है नारेबाजी की जा रही है। जो मुश्ताक आलम जिला अध्यक्ष है वह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अश्विनी शर्मा जो जिला उपाध्यक्ष है वह जो है जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये देखिए किस तरीके से जो है बेहोश हो रहे हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं में जो है हेमंत सोरेन को लेकर जो है अलग ये जितने देख रहे हैं आप JMM के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह जो है नारेबाजी लगा रहे हैं, और हेमंत सोरेन को जो है एक दिन के लिए यहाँ न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। क्या कह रहे हैं मुश्ताक जी, एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आराम से बोल दीजिए मुश्ताक भैया को, या तो कैंप जेल या तो होटवार जेल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। देखिए ये कोर्ट का प्रोसीजर है, और कोर्ट ने जो उचित समझा उसने किया है। कल फिर वो अपना शायद फैसला सुनाएंगे। तो जो भी ईडी के तरफ से रिमांड के लिए मांगा गया था वो अभी कंफर्म नहीं है कि कितने दिनों का होगा। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, और सारे कार्यकर्ता हेमंत जी के साथ हैं, पूरे झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के साथ हैं, और हम लोग इनकी लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे। और महागठबंधन एकजुट है, हमारी सरकार फिर से बनेगी, और हम लोग फिर से दुगना मजबूत होकर के इस झारखंड की धरती में झारखंडियों की सेवा करेंगे। अगर लड़ने के लिए तैयार है तो विधायकों को हैदराबाद क्यों भेजा जा रहा है? अभी हैदराबाद भेजा जा रहा है या कहीं भेजा जा रहा है, ये आप जानते हैं कि जिससे हमारी लड़ाई है वो कैसा है। वो खरीद फरोख्त में भी मजबूत है और साजिश करने में भी मजबूत है। वो हमारे विधायकों को कुछ भी कर सकता है, इसीलिए आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? सारे विधायकों पर भरोसा है, सारे विधायकों पर भरोसा, और सारे साथ हैं, बस यही कहूंगा जी।